हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया टॉपिक क्लियर करने के बारे में बात करने वाले, जो कैंडलस्टिक के बारे में है, कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी के बारे में है, और लाइव मार्केट में हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, या ये किसके फेवर में चल रहा है, बुल्स के फेवर में चल रहा है या बियर्स के फेवर में चल रहा है। ये जनरली चार्ट रीडिंग का एक तरीका है जो शायद ही आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा या सुना होगा, क्योंकि ये बेसिकली ये स्मार्ट मनी के अंडर आता है। ये आपको ज़्यादातर कोई भी यूट्यूबर बोलेगा नहीं या दिखाएगा नहीं या कोई सिखाएगा नहीं। ये जो तरीका है देखने का चार्ट को या चार्ट को रीड करने का जो तरीका है, ये बेसिकली बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जिनको इंस्टीट्यूशनल और जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, वो नहीं चाहते कि आप लोग ये तरीका जान लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, आता है, वो बोलते हैं ये वाला एक स्विंग बना है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो बुलिश हो जाएगा, या ये लो लगा है, इसके नीचे अगर निकलेगा तो ये बियर्स के कंट्रोल में जाएगा। तो स्विंग्स जो होते हैं उससे स्विंग्स बनते हैं बेसिकली, जो हाई लगा और जो लो लगा उसको हम स्विंग काउंट करते हैं कि ये हाई है ये लो है। तो वो पर्टिकुलर लो या वो स्विंग हाई, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, वहाँ पे हम कैसे पता करें कि अभी ये बुल्स के कंट्रोल में आया है या ये फेक अप मूव दे रहा है, या नीचे की साइड में अगर जा रहा है जो लो अगर ब्रेक कर रहा है तो एक्चुअल में सही में लो ब्रेक हो गया है या ये सिर्फ ट्रैप है। तो ये समझते हैं हम चार्ट के जरिए, क्योंकि ये चार्ट रीडिंग का एक तरीका है, ये बेसिकली स्मार्ट मनी में यूज होता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये किसी ने सिखाया नहीं आज तक यूट्यूब पे। तो ये यूट्यूब पे शायद ही पहली बार ही आप देख रहे होंगे। अगर गलती से अगर कुछ मिलता है, एक दो वीडियो मैंने भी बहुत सर्च किया है तो मुझे नहीं मिला वो जो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई सिखा रहा है क्या, तो मुझे बेसिकली नहीं मिला है। तो चलिए आज देखते हैं हम, और ये मैं लाइव मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाने वाला हूँ। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, आज 22 अगस्त है, तो उस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं ये तरीका क्या होता है। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये 30 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का। तो देखो, ये सबको पता होगा कि जैसे मार्केट ने एक लो लगाया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो लगाया, उसके बाद में ये हाई लगाया, इसके बाद फिर से एक लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर से ये हाई, फिर से ये हाई, ये लो, ठीक है। ये जब हाई और लो लगते हैं, ये सबको पता है कि क्या है, ये बेसिकली इसको हम स्विंग्स काउंट करते हैं कि ये लो लगा है, ये वाला लो है, एक ये लो है, सॉरी एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है। तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हायर हाई, लोअर लो, ये जो भी कंसेप्ट है ना, वो समझते होंगे आप बेसिक का, अगर आपको पता है तो। ये स्विंग्स में काउंट हो जाता है, ठीक है। जब भी हम तो इसको देखने का तरीका क्या है, ये तो सबको पता है कि अभी यहाँ से नीचे आए तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या अभी साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, या यहाँ पे साइडवेज में जा रहा है। ये 30 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा बायसनेस कैसे बना के चले कि अभी ये किसके कंट्रोल में है, जो भी मूव आ रहे हैं, ये तो है ठीक है कि डाउन ट्रेंड है, बीएस के कंट्रोल में ही है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम अगर व्यू बनाए, चलो यहाँ पे व्यू बनाया था, इस दिन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम बुलिश है, लेकिन
लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया। लेकिन इसको भी हम पढ़ने का तरीका होता है, चार्ट रीडिंग में जो आता है उसको भी पढ़ने का तरीका है कि ये गैप डाउन हुआ है लेकिन ये बुलिश जाने वाला है कि बेरिश जाने वाला है आज, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले जब भी मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा पिछला वाला डाटा भी आप कंसिडर कर सकते हो कि चल क्या रहा है मार्केट में, तो आपको देखना क्या है, आपको कैंडलस्टिक देखना है, वो भी बैक टू बैक। एक तो तीन कैंडल चाहिए, बैक टू बैक बुलिश कैंडल होनी चाहिए या तो बैक टू बैक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, तीन एक साथ में। जैसे यहाँ पे बनी है, देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है तीन, यहाँ पे देखो बेरिश कैंडल बनी है तीन, यहाँ पे चार बनी है। हमको कम से कम तीन कैंडल चाहिए जो बेरिश हो चाहे बुलिश हो। यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल बन गई, यहाँ पे बेरिश बन गई, यहाँ पे बुलिश बन गई, यहाँ पे बेरिश बन गई, यहाँ पे बेरिश बन गई। उसके बाद तीन कैंडल कहाँ पे आ रही है साथ में, यहाँ पे। ये तो लाइव मार्केट चल रहा है आज, निफ्टी का लाइव मार्केट चल रहा है, अभी ये बेरिश कैंडल बन गई है। वैसे ही फिर निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखो ये तीन कैंडल बुलिश बन गई, इसके बाद ये तीन कैंडल बुलिश बन गई, ये तीन कैंडल बेरिश, ये तीन कैंडल बुलिश। तो इसमें समझ में क्या आता है, समझो अभी ये निफ्टी का फाइनेंस फिर निफ्टी का चार्ट है। ये जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कैंडलस्टिक का पहले साइकोलॉजी समझ लो, ये शायद ही आपको पता हो, मतलब जो मैं सिखाने वाला हूँ ये तो पता है कि इसको पुश कर दिया है, रिजेक्शन मिला है नीचे से, तो लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे मार्केट बेरिश था, ये दो कैंडल बना चुका था, ये तीसरी कैंडल बन गई, इसने जो लो लगाया ये वाला, ये लो बन गया, ये लो बन गया। हाँ ये लो, एक मिनट दोस्तों, ये कुछ चार्ट स्टक हो गया मेरा शायद, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। खुजा भाई चलो बैंक निफ्टी में समझते हैं। चलो ये देखो मार्केट यहाँ पे हाई लगा चुका था, ये जो इसको भी बाइंग कैंडल ही बोलेंगे हम, क्योंकि इसने ये यहाँ तक हाई लगाया था, उसके बाद में क्लोजिंग नीचे दी, ये दो कैंडल बन गई। दूसरे दिन जब मार्केट खुला, गैप डाउन खुला और ये तीसरी कैंडल बन गई, तो ये लग चुका है हाई और ये लग चुका है लो। तो ये पॉइंट क्या कंसिडर होगा यहाँ पे, ये लो है, इसके नीचे जाएगा तो बेरिश हो जाएगा, और ये हाई है इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, बराबर। ये दो पॉइंट हमें मिल गए इस दिन की ट्रेडिंग के लिए, या ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल सकते, व्यू बनाने के लिए कि हमें देखना क्या है। अब जब ये हाई लगा चुका है पिछले दिन का और ये लो लगा चुका है आज के दिन का, ऐसा समझो। तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दिया, उसके बाद में बुलिश कैंडल बन गई। यहाँ पे बायर्स ने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बियर्स आ गए, उन्होंने बैक टू बैक तीन कैंडल्स बना दिए बेरिश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेरिश कैंडल बना दी मतलब यहाँ पे बेरिश हो गया, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तीन कैंडल तो बेरिश बन गई, बियर्स ने यहाँ पे कोशिश की मार्केट को नीचे लाने की, लेकिन ये जो लो लगा चुका है पहले वाला, पहले कैंडल में जो मार्केट लो लगा चुका है, इसके नीचे नहीं ला पाए, ठीक है। इसके नीचे क्या, जो यहाँ से बुलिश कैंडल जो फॉर्म होने चालू हो गई थी उसके भी नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए, है ना। इस कैंडल ने दिया था लेकिन तुरंत बाइंग आ गई,
ये तीन कैंडल अगर बेरिश बन चुकी थी, उसके बाद में फिर से बायर्स ने, बुल्स ने ताकत दिखा दी, बैक टू बैक तीन कैंडल्स उसने बना दिए। तो ये एक हमारे लिए क्या हो गया, पहले जो बियर कैंडल बनी थी बैक टू बैक, ये हमारे लिए एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये बायर्स का कंट्रोल पॉइंट हो गया, ये हाई बायर्स का कंट्रोल पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, बियर्स का कंट्रोल पॉइंट हो गया, ठीक है, कि भाई अब इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, और इसके ऊपर जाएगा तो सॉरी, इसके नीचे जाएगा तो बेरिश हो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा। तो ये जो हाई था जो पहले बायर्स ने बनाया था, बियर्स उसको नीचे क्लोजिंग दे दिए तीन कैंडल देके बैक टू बैक, तो उसके बाद में ये जो तीन कैंडल बनी, तो ये जो लास्ट वाली कैंडल थी थर्ड वाली, इसने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे कौन कंट्रोल में कौन आया, बुल्स कंट्रोल में आए, ठीक है। लिंक में कमेंट में बता दो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आएंगे तो मैं बनाता रहूँगा, अगर मुझे मोटिवेशन मिले, या अगर लाइक और सब्सक्राइब और आपको पसंद आता है ये मेरा जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, या अगर आपको पसंद आता है इसको, अगर अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे, तो मैं और भी ऐसे चीज़ें बनाता रहूँगा जो आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो कोई नहीं चाहता कि रिटेल ट्रेडर जो है वो सीखे, इसीलिए ये कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलो समझते हैं, यहाँ पे जो तीन कैंडल बनी, तो इन्होंने ये जो स्विंग हम बोलते हैं ना, कोई भी यूट्यूबर या कोई लाइव मार्केट में या कोई सिखा रहा है तो बोलते हैं ये स्विंग हाई अगर टूटा तो ऊपर मूव करेगा मार्केट, ये स्विंग लो टूटा तो नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टूटा कंफर्म कब हुआ, इस कैंडल में, ठीक है। तो ये तीन कैंडल इसने क्लोजिंग दे दी ये स्विंग के ऊपर, तो अभी बुल्स कंट्रोल्स में आ गए। यहाँ पे बियर्स ने फिर से वापस कोशिश की, लेकिन कहाँ तक लेके आए, सिर्फ इस पॉइंट तक लेके आए। ये पॉइंट तो हमारा अभी तक सिक्योर है, ये हम बियर मतलब नीचे की साइड में मार्केट बेरिश हो गया है या नहीं हुआ है, ये हम कैसे कंफर्म करेंगे, जब यहाँ से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, इसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू हो जाए तो हम समझेंगे कि अभी बियर्स की कंट्रोल में मार्केट आ गया है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे ये बुल्स की कंट्रोल में, तो ये जो कैंडल बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम पुल बैक्स में काउंट करते हैं। ये जो पुल बैक वाला, ये जो RSI वाला मेरा जो इंडिकेटर है, हम तो इसमें इंडिकेटर यूज़ नहीं करने वाले हैं, मैं विदाउट इंडिकेटर आपको सिखा रहा हूँ ये नेकेड चार्ट में आपको कैसे देखना है। लेकिन ये जो मेरा इंडिकेटर है, मैं इसके ऊपर भी एक RSI वाला है, ये इंडिकेटर RSI वाला है, ये भी थोड़ा सा RSI तो आपने देखा होगा, जनरली 80 के ऊपर ओवर बॉट हो गया और 40 के नीचे ओवर सोल्ड हो गया तो उधर बाय करो, ओवर बॉट हो गया तो उसको सेल करो, ये तरीका होता है। लेकिन एक्चुअल में RSI को देखने का भी थोड़ा सा अलग तरीका होता है, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में, अगला एक वीडियो आने वाला है जो स्पेशली RSI के हैक्स जो होते हैं उसके ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। तो ये जो दो कैंडल आई तो ये आ गया पुल बैक, उसके बाद में फिर से बायर्स ने कोशिश की ऊपर लेके जाने की, इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर तो लेके गए लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दे नहीं पाए, तो बियर्स ने फिर से यहाँ से कोशिश की इसको नीचे लाने की। लेकिन ये जो हमारा लो है अभी तक ये सिक्योर है, इसके नीचे अभी तक कोई भी कैंडल आई नहीं है, तो यहाँ पे बियर्स ने कोशिश की यहाँ तक लाने की, उसने फिर से उसको ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद में उसने फिर से नया एक हाई लगा दिया यहाँ पे एंट्री हो गई फिर से बियर्स की, तो उन्होंने बैक टू बैक बहुत ज़्यादा ताकत लगाई, 1 2 3 4 5 कैंडल उन्होंने सेलिंग की दे दी बियर्स ने, ताकत दिखा दी बियर्स ने कि हम अभी बुल्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बियर्स की कैंडल बनी, ये जो पांच कैंडल बनी, ये
इतना ताकत लगाने के बाद भी इस वाला इस वाले या इस वाले लोग के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। आप देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो हमारा लो था इसके नीचे लेके नहीं आ पाए। तो जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो हमें यहाँ पे क्या देखना था, बाइंग, लो पे बाइंग और हाई पे सेल। अभी ये हाई पे सेल करना है नहीं करना है अभी आगे डिसाइड होने वाला है, लेकिन हमें जब मार्केट का ट्रेंड पता चल गया कि आज किसके कंट्रोल में मार्केट है, बायर्स के है या मतलब बुल्स के कंट्रोल में है या बियर्स के कंट्रोल में, ये आपको चार्ट देख के, नेकेड चार्ट, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करना है, विदाउट इंडिकेटर आप देख रहे हो ये सब, ये आपने शायद ही कभी सुना होगा देखा होगा, तो आज देख लो सुन लो। कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के पहले काम निपटा लो, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है, तो समझ में आएगा आपके। तो जब यहाँ पे बियर्स ने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की तो ये जो बायर्स का पॉइंट था इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें क्लोजिंग चाहिए, ये पर्टिकुलर लेवल है इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, ये लेवल है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए या नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो ये वाले वो पॉइंट होते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आया लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, आई बात समझ। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ने टच किया फिर से बायर्स ने क्या किया, बुल्स ने कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की, यहाँ पे वो उन्होंने पुश किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, बुल्स ने यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश की लेकिन क्या हुआ, ये जो यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी या बियर्स ने कंट्रोल लिया था, अभी ये एक हाई पॉइंट बन गया किसका, बुल्स का, ठीक है, ये बन गया बुल्स का अभी कंट्रोल पॉइंट। जब भी मार्केट अभी नीचे आएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हाई पे सेलिंग का, सेलिंग देखना है, और यहाँ पे आएगा तो क्या देखना है, बाइंग का। ये बन गया अभी ये बुल्स का कंट्रोल पॉइंट और ये बियर्स का कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो बुल्स ने यहाँ पे कोशिश की, बैक टू बैक चार कैंडल उन्होंने ग्रीन कलर की दे दी, यहाँ पे मेरा व्हाइट है, मैंने व्हाइट कर लिया है, तो आप ग्रीन देखते होंगे, ग्रीन और रेड देखते होंगे, मेरा ऑरेंज और व्हाइट है, तो साइकोलॉजी को समझो पहले, मेन वही है। तो यहाँ पे चार कैंडल बैक टू बैक बन गए लेकिन बुल्स की ताकत यहाँ पे कम होने लगी। क्यों? क्योंकि चार कैंडल में भी ये जो बुल्स बियर्स का हाई लगा है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुल्स कमजोर पड़ने लगे। तो अभी बियर्स थोड़े थोड़े कंट्रोल में आना शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बियर ने कोशिश की मार्केट को नीचे लाने की, सेकंड कैंडल में यहाँ तक नीचे लेके गए जो सुबह का, सॉरी जो पिछले वाला लो था, लेकिन उसके नीचे नहीं लेके जा पाए और उसके नीचे तो क्लोजिंग मतलब वो लो को टच भी नहीं किया और वहाँ तक लेके भी नहीं जा पाए। तो बीएस ने यहाँ तक लाया, बुश ने फिर ताकत दिखाई और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद में बीएस ने फिर कोशिश की, बियर ने फिर कोशिश की, फिर बुश ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की, यहाँ पे बियर ने फुल ताकत दिखाई, फिर से यहाँ पे ताकत दिखा दी। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, जो बायर ने ताकत दिखाई वो कहाँ तक गई, यहाँ तक, ठीक है, पहले यहाँ तक लेके गए थे उसके बाद में यहाँ तक, मतलब यहाँ पे बियर्स अभी मार्केट किसके कंट्रोल में आ रहा है, धीरे धीरे बियर्स के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि पहले बायर मतलब बुल्स जो है यहाँ तक ताकत दिखा चुके थे, उसके बाद बियर्स ने मार्केट को नीचे लाया, फिर बुल्स ने ताकत दिखाई लेकिन ताकत कहाँ तक दिखा पाए, सिर्फ यहाँ तक, यह हाई क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, जिसको हम स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं ना वो। तो यहाँ से फिर से बीएस ने ताकत दिखाई, वो मार्केट को कहाँ तक लेके आए, यहाँ तक। अभी यहाँ पे भी देखो आप क्या हो रहा है, जो यहाँ पे बुश ने ताकत दिखाई थी यहाँ से बाइक का, जो मैंने बोला था आपको, यहाँ पे हमारा क्या है,
लो पे बाय वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बुश ने ताकत दिखाई, इसने यहाँ पे क्लोजिंग फिर भी इस लो के नीचे नहीं दे पाए। तो अभी तक क्या हुआ, बुल्स की ताकत तो कम हो रही है, लेकिन बीएस भी बुल्स को हरा नहीं पा रहे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वोलाटाइल हो गया मार्केट, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, बुल्स ने ताकत दिखाई, लेकिन जो ये वाला हाई था ये तोड़ नहीं पाए, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पाए यहाँ पे। तो बुल्स बीएस ने क्या किया, फिर से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, यहाँ तक इसके नीचे लेके तो आए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया, ऊपर, इसके भी ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अब क्या हुआ, मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर तो गया, लेकिन क्या हुआ, बीएस ने फिर ताकत दिखाई, उसको नीचे लेके आए यहाँ तक। तो ये हाई अभी तक क्रॉस ही नहीं हुआ यहाँ पे, देखो। फिर बीएस ने ताकत दिखाई, नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत कम हो गई। यहाँ पे फिर से बुल्स ने ताकत दिखाने की कोशिश की, और इस बार क्या हुआ, ये जो स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, इस कैंडल ने ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन ताकत अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि ये वाला जो स्विंग हाई था अभी तक ये सिक्योर है, यहाँ तक हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में बीएस ने फिर से ताकत दिखाई, अभी बुश ने पूरी ताकत दिखाई, कहाँ पे, बैक टू बैक तीन कैंडल देखे। समझ में आ रहा है, बातें समझ रहे हो। यहाँ पे बुश ने फुल ताकत दिखाई है, पूरे फोर्स के साथ ऊपर मार्केट लेके गए, कहाँ तक लेके गए, इस पॉइंट तक। ये स्विंग हाई अभी आपका ब्रेक हो चुका है, किस कैंडल से, इस कैंडल से। तो अब जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये किस में कंसिडर होगा, ये पुल बैक्स में कंसिडर होगा। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है तो दो कैंडल अगर बीयर्स की बन गई है तो ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, या ये दो दो कैंडल बन गई तो हाँ भाई चलो अभी मार्केट गिरने वाला है, चलो पुट देखते हैं, नहीं, यहाँ पे ही तुम्हारे ये सेल हिट हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हो ये एक कैंडल आपकी रेड बन गई, चलो भाई यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, चलो हम पुट खरीद लेते, तो यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाएगा, 5-10 पॉइंट या 2 पॉइंट 5 पॉइंट दिखाएगा, फिर आप ये सेल ले लेगा। फिर से बी एस यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये वाला लो लगा था हमारा, तो ये एक्चुअली ये पॉइंट तो है, लेकिन ये जो लो लगा था, रिसेंट लो जो हम ये कंसिडर करेंगे, उसके वहाँ तक भी लेके नहीं आ पाए। उसके बाद जब मार्केट दूसरे दिन, ये अलग दिन है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे लाने की कोशिश की, फिर से बुल्स ने कोशिश की। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें तीन बैक टू बैक कैंडल मिली नहीं है अभी तक, मतलब ये तो 22 अगस्त है, 22 अगस्त मतलब आज का दिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बीएस आए, फिर बुलाया, फिर बीएस आए, फिर बुलाया, फिर बीएस आए, फिर बुल्स आए, फिर बीएस आए, लेकिन अभी तक क्या हुआ, हमें तीन कैंडल मिली क्या, नहीं मिली। बैक टू बैक हमें तीन कैंडल चाहिए तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ पे जाने वाला है। अभी अगर प्रीवियसली अगर देखेंगे तो ये बुल्स के कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ से लेके अगर देखेंगे, हमने जो यहाँ से पॉइंट कंसिडर किया था, ये दिन कौन सा है, 16 अगस्त से लेके आज 22 अगस्त है, ठीक है। यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये किसके कंट्रोल में है, अभी तक मार्केट किसके कंट्रोल में चल रहा है, फटाफट कमेंट्स में बोल दीजिए, ये अभी किसके कंट्रोल में मार्केट चल रहा है, बीयर्स के या बुल्स के, फटाफट बोल दीजिए कमेंट्स में कि आपको समझ में आया नहीं आया, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चार्ट रीडिंग का तरीका जो है या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये जो मूव आया है वो बीएस के कंट्रोल में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बीएस का ये जो था पॉइंट, ये बीएस का कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में आया है या आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो बीएस का कंट्रोल पॉइंट था ये वाला, मार्केट अभी तक वहाँ तक भी नहीं आया। अगर यहाँ
यहाँ तक आ रहे तो बाउंस बैक आ रहा है, तो हम बायसनेस क्या बना सकते हैं आज? आज तो एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा बेरिश टू साइडवेज ही है, लेकिन बैक टू बैक जो 3 कैंडल हमें चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो चलो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देते रहिए, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको कंटेंट वीडियो पसंद आता है कंटेंट पसंद आता है तो मैं ऐसे आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। और जो मेरा पिछला पिछला जो वीडियो था एक दिन पहले मैंने डाला हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा चैनल है, सॉरी मैंने जो कल ही डाला हुआ है एक वीडियो कि लाइव मार्केट में आपको क्या देखना है, सी देखना है या पी देखना है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आज एक मेरे टेलीग्राम चैनल पे कॉल दिया था, 19300 का सी मैंने दिया था, वो बाइंग के लिए मैंने दिया था। ये वाला मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स, ये जो वीडियो है मैंने इस पर डाला था, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना ये वाला, हाँ ये वाला जो वीडियो है ये जाके आप ज़रूर देखना। ठीक है, ये वाला भाई अभी ये क्यों नहीं चल रहा है, सॉरी, ये वाला जो वीडियो है ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, इसमें मैंने दिया था सी और पी लाइव मार्केट में आपको कैसे देखना है कि आपको क्या बाय करना है आज लाइव मार्केट में, तो उसी के रिगार्डिंग मतलब जो इसमें जो मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है उसी स्ट्रैटेजी को लेके मैंने आज एक कॉल दिया था 19300 का, ये देखो ये फ्री वाला जो होता है ना भाई बहुत ऐड आते हैं इसमें ट्रेडिंग व्यू का, तो ये जो है देखो मैंने पिवट्स पॉइंट की स्ट्रैटेजी बताई है, सी देख के आप पी बाय कर सकते हो या पी देख के आप सी बाय कर सकते हो, तो मैंने ये जो 19300 का जो सी आज दिया था, ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं आपको, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है उसमें कोई मैं टिप्स देता हूँ, लेकिन उसके कोई पेड सर्विस वगैरह उसमें नहीं लेता हूँ मैं, फ्री में कॉल देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मैक्स 3 कॉल होते हैं पूरे दिन भर में लाइव मार्केट में, तो प्रॉफिट फ्री में अगर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पेड लेते हैं चार्जेस देते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको कॉल मिलते हैं। मोस्टली मैं निफ्टी के ही कॉल देता हूँ, मैं बैंक निफ्टी ज़्यादातर मैं करता नहीं हूँ, तो निफ्टी के ही ज़्यादातर होते हैं, तो इस वो जो वीडियो है आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या आई बटन अभी तक एक्टिव हुआ ही नहीं पता नहीं है क्यों मुझे, क्योंकि मेरा चैनल जो है नया है, तो आई बटन में वीडियो अगर मैं डाल पाया तो मैं आई बटन में आपको मिल जाएगा, या तो एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि इसमें स्ट्रेटजी क्या यूज़ किया है मैंने, सिंपली बताया था मैंने जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया स्कैल्पिंग वाला, तो उसमें क्लियरली बताया है क्योंकि कि मार्केट अगर खुल रहा है, मार्केट खुला तो यहाँ पे देखो ये 19600 का सी है, ये खुला और नीचे आ गया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर ये जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे जब क्लोजिंग देना स्टार्ट किया और ये पिवट के नीचे भी आया, तो मैंने यहाँ पे 19300 का सी देख लिया कि अभी ये पी अगर सी नीचे, सॉरी गलती हो गया, 19300 का ये तो सी ठीक है, सॉरी ये फिर निफ्टी का लगाया हुआ था 19400 का पी, ये देखा था मैंने 19400 का, तो ये खुलाई पिवट पॉइंट के नीचे था, ये खुलाई नीचे था, तो हमें पी तो देखना ही नहीं था आज कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें सी सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने समेर हाँ यहाँ पे जब मार्केट चालू था 10:30 या 40 मिनट कुछ तो होगा, तो यहाँ पे मैंने दिया था यहाँ पे मैंने कॉल दे दिया था 19300 का जो सॉरी 19300 का जो सी है मैंने बाइंग के लिए दिया था
यहाँ पे जब आएगा ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा 100%, क्योंकि आज मार्केट सी की तरफ दिख रहा था मुझे। तो 115 120 का बाइंग पॉइंट मैंने दिया था, जो कि यहाँ पे प्योर पॉइंट का सपोर्ट था। तो एग्जैक्टली उसने लो देखो कहा कितना बनाया था, 114.65, ये उसने लो लगाया था। मैंने 115 120 बाइंग दिया था और 110 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था 10 पॉइंट का। तो उसमें कम से कम 115 से लेके हाई इसने लगाया था 100 137, तो लगभग 20 22 पॉइंट इसमें इस कॉल में मैंने आज टेलीग्राम चैनल जिसने भी लिया था, मेरे चैनल पे जिसने भी ये कॉल लिया था, तो उनको मैंने निकाल के दिया है। तो अगर आप भी मेरे टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो लिंक भी शायद क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि चैनल मेरा यूट्यूब का चैनल जो है नया चैनल है, तो शायद वो अलाउ नहीं करते। उसको कुछ दिनों के बाद मैं एक्टिव कर पाऊँगा कि वो जो चैनल का लिंक है वो, अगर कोई दूसरा तरीका अगर मिलता है तो मैं देखूँगा अगर आपको जुड़ा पाया मैं उसमें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आने वाला हूँ। जो RSI का मैंने बताया आपको, ये वाला जो RSI है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का RSI यूज़ करने का तरीका है, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मुझे सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने के लिए। तो जैसे इस वीडियो को अगर लाइक्स और शेयर्स मिलते हैं तो मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। चलो थैंक यू।